हाँ जी, क्या सोच रहे हो आप? यार मुझे जो है ना यहाँ की अमीरी समझ में नहीं आ रही है। अमीरी कहूँ या गरीबी कहूँ, सीन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे राजस्थान जाऊँगा। हालांकि मैं राजस्थान गया नहीं, मैंने केवल रील और वीडियोस में देखा है, लेकिन ऐसा जो गांव का जो इन्वायरमेंट होता है, रहन सहन होता ना, यार राजस्थान में ज़्यादा होता। अमीर बहुत होते हैं वहाँ के लोग। एक घर मैं भी बनाना चाहता हूँ ऐसी जगह, यहीं पर पैसा नहीं, कम पैसे में खर्च। सामने एक प्लॉट खाली है, चलें क्या? अभी देख गाइस, यहाँ देखो मोर तो ऐसे आ रखे ना, इधर पूछो ही मत। ये देखो, ये देखो भाई। यहाँ पर चल रहा है फोटोशूट। फोटोग्राफर हमारे सोच रहे हैं क्या करना है। सो हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज हमारे पास है, साथ में है उत्तराखंड वासी। हेलो हेलो। हम लास्ट बार कब साथ में थे? जब हम ब्यानधुरा गए थे। ब्यानधुरा के बाद करीब एक साल हो गया। एक साल बाद आज फिर से हम ब्लॉग बना रहे हैं साथ में। एक्चुअली आज हम आए हुए हैं बौड़खत्ता। ये लालकुआ से थोड़ा बिंदुखत्ता के बाद आता बौड़खत्ता। तो इधर गाँव में है शादी, तो शादी में आए हुए हैं, तो हमने सोचा गाँव घूम लेते हैं। अभी बारात आई नहीं है, तो देख रहे हैं इधर माहौल कैसा है। बाकी आपको गाँव दिखाते हैं, खूबसूरत सा माहौल एकदम मस्त है। बाकी हम लोग आपको गांव का व्यू दिखाएंगे और आप लोगों को मस्त लगेगा। बढ़िया है, मतलब गांव दिखाते हैं अभी आपको मस्त करके। हाँ जी, क्या सोच रहे हो आप? यार मुझे जो है ना यहाँ की अमीरी समझ में नहीं आ रही है। अमीरी कहूँ या गरीबी कहूँ, रहने को यहाँ सारी की सारी झोपड़ियाँ हैं, लेकिन हर घर में दो गाड़ी है ना। मेरे समझ में नहीं आ रहा यार, यहाँ अमीर लोग हैं गरीब लोग हैं। एक्चुअली गाइज ना, यहाँ पर जो है ज़मीन है ना, अभी ये मतलब रजिस्ट्री वाली ज़मीन नहीं है, इसलिए यहाँ पक्के घर नहीं है, मोस्टली कच्चे घर हैं। और मतलब सब लोग अमीर हैं, ऐसा नहीं है कि। और सामने मोर देखो यार, वो देखो भाई, अभी जूम करके दिखाएं कैसे दिखाएं, अभी वहाँ जाने का देखते हैं कहाँ है। हाँ। जंगल भी नजर नहीं। तो लच्छू भाई ये बताओ, ये जो सीन देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है? ये सीन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे राजस्थान जाऊंगा। हालांकि मैं राजस्थान गया नहीं, मैंने केवल रील और वीडियोस में देखा है, लेकिन ऐसा जो गांव का जो इन्वायरमेंट होता है, रहन सहन होता ना, ये राजस्थान में ज़्यादा होता है। अमीर बहुत होते हैं वहाँ के लोग, लेकिन सबके पास ऐसी तीन सेट और झोपड़ियाँ होती है और ऐसे मैदान होते हैं। तो मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं आज राजस्थान आया हूँ, सपनों में तो मैं राजस्थान चले गया हूँ, लेकिन अब रियल में कब जाऊँगा पता नहीं। आप ही के साथ जाऊँगा। तो भाई एक्चुअली सच में यार लिटरली बता रहे हैं, मतलब ये जो गांव का माहौल है ना, ऐसे बाड़ वाड़ लगा के लकड़ियों पे मस्त करके झोपड़ी, ये चीज़ें देख के ना ऐसा लग रहा है कि भाई ये बिल्कुल बहुत प्यारी जगह है। राजस्थान में नहीं देते जो मिट्टी वो बनाते ना, वो क्या बोलते हैं, दाल बाटी चूरमा ना, आग में पकाते हैं, आग वो इतने बड़े बड़े गोले जैसे हो, फिर खाते हैं उसको। मतलब ऐसी होती है, खेत वेत बढ़िया, सरसों वरसों भी है सामने। अब यहाँ से ऊपर को निकल लेते हैं, सामने ही है घर। हमारा दुर्भाग्य है कि हम ड्रोन लेके नहीं आए। ड्रोन लेके आए होते तो ना पूरा गांव का पूरा गांव दिखता आपको मस्त करके। फिर भी बहुत खूबसूरत है गांव, मतलब इसको कह सकते हैं उत्तराखंड का राजस्थान। हाँ, उत्तराखंड का राजस्थान बस वो है। सो गाइस यहां पर देख सकते हैं आप गांव में कितने खूबसूरत घर है, और सामने देखो क्या डिजाइन बना रखा भाई, पूरा एकदम प्यारा वाला माहौल है। तो ये हमारे उत्तराखंड वासी का घर, सामने देखो डिजाइन क्या मस्त दिख रही है भाई। एक घर मैं भी बनाना चाहता हूँ ऐसी जगह, यहीं पर पैसा नहीं, कम पैसे में खर्च। सामने एक प्लॉट खाली है, चलें क्या? अभी देखते हैं किसके नाम पे प्लॉट है, सारा कुछ पता करना पड़ेगा। लेकिन मेरे को ना पसंद आ गई जगह, पूरे इस मतलब जितना हम अभी तक घूमे हैं सबसे ज्यादा घर ये वाला पसंद आया। ये वाला नहीं पता किसका घर है, बढ़िया बना रखा है। नहीं पता किसका घर है और कौन लोग हैं, बट घर का जो है ना बनावट जो है बहुत प्यारी है। सामने से देखो डिजाइन, ये डिजाइन शायद मस्त लग रही है भाई, देख रहे छोटी छोटी। कारपेंटर भी मुश्किल से ही बना पाएगा, और ये सारे के सारे मिट्टी के घर। ये देखो राजस्थान में दिखते हैं ऐसे घर, मस्त कर ले। गाइस यहाँ देखो मोर तो ऐसे आ रखे ना, इधर पूछो ही मत। ये देखो ये और ये बरगद का पेड़, ऐसा लग रहा जैसे कि कितने लोगों ने यहाँ फांसी वांसी खाई होगी। जैसे वो भूतिया मूवी में नहीं दिखाते बरगद का पेड़, तो ऐसे ही लग रहा है बरगद का पेड़। ऊपर देखो, ये देखो कितना खतरनाक है बरगद का पेड़ भाई, बहुत डेंजर है डेंजर। और ये गांव देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, यहाँ पे ये बाड़ी बना रखी है और मस्त करके, यहाँ पे गाय वाय बांधी हुई है। सामने है शादी, वो है नानूदा का घर सामने वाला, और यहाँ पे सब कुछ बधा हुआ है, बढ़िया करके झोपड़ी बना रखी है गाय बच्चों के लिए, बाड़ बना रखी है, ठीक है मस्त करके एकदम खूबसूरत हो रखा है। बाकी पराली वराली रखी है इधर तगड़ी तगड़ी। बाकी हम तो जब से आए हैं मतलब गाँव ही घूम रहे हैं,
ठीक है, बारात आ गई है उधर, चाय पानी चल रही है, फिर उसके बाद हम इधर फिर से आ गए हैं, तो घूम रहे हैं मस्त करके। बाकी यार हम ना इस पर झूला वूला बहुत करते थे बचपन में भाई, बचपन ख़त्म, शौक ख़त्म। बाकी ये हैं झूले, एक उधर है एक इधर है, इनमें झूला झूलने में बड़ा मज़ा आता था भाई। लच्छू भाई इधर आओ, झूला झूलोगे? हेलो, झूला झूलो झूला। ये होते हैं ना, इसमें हम झूला झूलते थे इसको पकड़ के, ये लो झूला झूलोगे? झूला झूल लेंगे यार, ट्राई करो। ट्राई कर रहे हैं लच्छू भाई झूला झूलने का, देखो ये देखो भाई ये मज़ा आता था। ये छोटा हो गया ना थोड़ा, इसमें जगह नहीं मिल पा रही है। जब मैं बकरी कॉलेज जाता हूँ ना, ऐसे पेड़ मिलते तो मैं वहाँ भी झूला झूलता हूँ। ये पेड़ ऐसा नहीं लग रहा जैसे वो गांव में कोई मूवी में होता है। हाँ बहुत मस्त बड़ का पेड़ है ना, बड़ का पेड़ है। वट सावित्री की पूजा भी होती है इसमें। बड़ के पेड़ में तीन तरीके की पूजा होती है, अब ये मुझे नहीं पता कौन कौन सी पूजा कहाँ पर होती है, लेकिन बीच में वट सावित्री की पूजा, एक भूत पूजा, एक स्त्री पूजा। स्त्री पूजा बीच में होती है, वट सावित्री पूजा। वट सावित्री इतना बड़ा पेड़ है, कितना विशाल का पेड़ है। यहाँ पर चल रहा है फोटो शूट, फोटोग्राफर हमारे सोच रहे हैं क्या करना है। देखो ये जूम करवा लेते हैं, जूम मार रखा बिल्कुल, ये लो ये सांप है। ऑलराइट, हम आ चुके हैं वापस, और ये जोतानी मगर से बौड़ खत्ता के लिए रास्ता निकलता है। ये है पूरा का पूरा ऑफ रोड, पूरा फॉरेस्ट रोड है और ख़राब भी है तगड़ा। आराम से चलना है आपको, सेफ्टी से। बाकी अभी लच्छू भाई को छोड़ेंगे कुंवरपुर चौराहे पे, उसके बाद ये अपनी गड्डी पे अपने घर को, मैं अपने घर को। ठीक है, लेट हो गए थे आराम से, मतलब फिर भी आ गए हम 2-2.5 घंटे में। और बाकी ये वाला रूट तो आपने पहले देखा ही होगा, इधर हम आए हैं यहाँ तक तो 2-3 बार ही। पूरा हो चुका है अंधेरा, अभी आधा एक घंटा और लगेगा, वही 7 बज जाता मुझे घर जाने तक। ऐसी है भाई लड़कों की लाइफ, देख रहे हो कितना भागा दौड़ी करनी पड़ती है। बाकी आगे जो थार जा रही है अच्छी खासी मॉडिफाई करा रखी, देख रहे हो कितने चौड़े टायर है, मतलब उससे भी बाहर है, गाड़ी से भी बाहर है। पेट्रोल पंप भी बंद हो गए भाई, ये लाइट नहीं है, आई थिंक ये लाइट नहीं है, देखते हैं क्या है। आ गई लाइट,